के भाजपा को भोग पटक देंगे। हमारे लालू प्रसाद जी इतना दुख सुख से करने वाली को और कपड़ा धोने वाली को जैसे हमारा दे रहे हैं तो उसी ही जाएंगे विधान एमएलए सभा में उच्च सदन में ऐसे ही धो देंगे भाजपा को भोग पटक देंगे। मुन्नी रजक ये नाम कौन नहीं जानता है। जब से मुन्नी रजक को विधान परिषद जाने का मौका मिला है, टिकट मिला है, तब से हर बिहारी के जुबान पर बस एक ही नाम है। हालांकि राज्य ने तीन और सदस्य को यानी कि दो और सदस्य को टिकट दिया है, लेकिन नाम जो चर्चाएं जो हो रही है वो मुन्नी रजक की हो रही है। तो चलिए एक एक्सक्लूसिव वीडियो भी हम आपको मुन्नी रजक का दिखाते हैं, जो पटक पटक के कपड़ा धो रही है और कहती हुई नजर आ रही है कि ऐसे ही हम आने वाले दिनों में बीजेपी को धोने वाले हैं। हम कुछ भी बताएं उससे पहले आप ये पूरा एक्सक्लूसिव वीडियो देखते जाइए। हमारे लालू प्रसाद जी इतना दुख सुख से करने वाली को और कपड़ा धोने वाली को जैसे हमारा दे रहे हैं तो उसी ही जाएंगे विधान एमएलए सभा में उच्च सदन में ऐसे ही धो देंगे भाजपा को भोग पटक देंगे। धो धा के पटक देना हमको भाजपा को। आपसे आपका शुरू से तो यही का रोजगार रहा। हाँ, मेरा बिजनेस यही है। माता पिता भी कपड़ा धोते थे, हम भी धोते हैं और इसी से गुजर बसर करते हैं। बाल बच्चा को पढ़ाना लिखाना, ये अपना भी क्या करें। सादा सा पेटर निमाह करके कपड़ा लता धो करके प्रेस करते हैं। खुशरूपुर स्टेशन के नीचे ही का घर में कपड़ा धो रहे हैं, जाते हैं खाना उना बना उना के किसी तरह से। और जब हमारा प्रोग्राम रहता था सब काम छोड़ छाड़ के चल जाते हैं। अच्छा, जब प्रोग्राम रहता है तो सब छोड़ छाड़ के चल जाता है। जब ऐसे कि क्षेत्र में भी रहता, किसी महिला को दबाता है, तंग करता है, उसके लिए भी हम अचूक हथियार की तरह हम खड़ा हो जाते हैं। इसीलिए मैं भाजपा को मैं जैसे पटक पटक के कपड़ा धोते हैं उसी भाजपा पार्टी को पटक देंगे, आने वाला समय में गिराने का काम करेंगे। तो आपने मुन्नी रजक का ये अंदाज तो देखा। आपको बताते चले कि ये जो अंदाज है ये नया नहीं है, ये पुराना है। हालांकि अब वो एमएलसी बनने वाली है, ऐसे में आज नामांकन भी है, तो अब ये अंदाज नया लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से वो पहले कपड़ा धोती थी आज भी धो रही है। लेकिन अब जुबान पे इस कपड़े के साथ साथ बीजेपी को भी धोने का नाम है। लालू यादव का शुक्रिया अदा भी कर रही है कि गरीब तबके एक ऐसी महिला को उन्होंने एमएलसी बनने का टिकट दिया है। साथ ही वो ये भी बता रही है कि जैसे आज पटक पटक के कपड़ा धो रही है ना, वैसे ही आने वाले दिनों में बीजेपी को भी खूब लता रहेगी, खूब धोएगी। लेकिन आपको मुन्नी रजक का ये अंदाज कितना अच्छा लगा, मुन्नी रजक का ये वीडियो कैसा लगा और उनकी बातें कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपको ये भी बता दें कि आज जो है नामांकन है, आज जो भी एमएलसी उम्मीदवार हैं जिनको टिकट दिया गया है विधान परिषद जाने का, उनका आज नामांकन है। तो आज का नजारा भी एक अलग होगा, आज क्या कुछ होता है वो भी हम खबरें दिखाएंगे। लेकिन मुन्नी रजक जब से उनको टिकट दिया गया है, जब से राजद ने उन्हें टिकट दिया है, हर ओर चर्चा उनकी हो रही है, तारीफें भी हो रही है कि एक ऐसे वर्ग की महिला को आज विधान परिषद पहुंचाया गया है। लालू यादव की, तेजस्वी यादव की जम के तारीफ की जा रही है। वहीं अगर मुन्नी रजक की बात कर ले तो मुन्नी रजक जम के शुक्रिया अदा करती हुई नजर आती है। वो एक पहले कार्यकर्ता थी और अब एमएलसी बनने वाली है। तब ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जब मुन्नी रजक विधान परिषद पहुंचती है तो क्या कुछ नजारा होता है। जो ये बातें कह रही हैं कि बीजेपी को लताड़ने वाली है, बीजेपी को धोने वाली है, तो वो भी देखना दिलचस्प होगा कि कैसे विधान परिषद में खड़े होकर बीजेपी को वो धो डालती है। ये आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। आप फिलहाल देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। अभी के लिए इतना ही, हमारे साथ बने रहे। बाकी की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।